बहादुरगढ़ के आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र में स्थित केमिकल फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में नया खुलासा हुआ है। यह फैक्ट्री अवैध रूप से चलाई जा रही थी और बिना रजिस्ट्रेशन और बिना फायर एनओसी के फैक्ट्री में काम किया जा रहा था। बहादुरगढ़ के आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र के पार्ट 2 की केमिकल फैक्ट्री ब्लास्ट हादसे में कई परिवारों के चिराग बुझ गए थे। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू से जांच की जा रही थी। इस हादसे को लेकर अब एक खुलासा सामने आया है। प्रशासन की प्रारंभिक जांच में पाया गया कि केमिकल फैक्ट्री अवैध रूप से चल रही थी। बिना रजिस्ट्रेशन और बिना फायर एनओसी के फैक्ट्री में काम चल रहा था। इस बात की जानकारी दी डीसी जितेंद्र दहिया ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान। प्राइमर फेसी जो आप सबको पता है कि केमिकल फैक्ट्री, इसके अंदर 4-5 तरह के केमिकल्स को मिक्स करके एक फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है। प्रोसेस के अंदर मिनी बॉयलर का यूज किया जाता है, जिसके माध्यम से स्टीम देके इसको मिक्सिंग होता है। तो जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई थी उसमें यही था कि मिनी बॉयलर के फटने के कारण यह हादसा हुआ है। इसकी कंप्लीट रिपोर्ट एसडीएम बहादुरगढ़ को मजिस्ट्रेट इंक्वायरी दी गई है बाय एंड ऑफ नेक्स्ट वीक। उसमें प्रॉब्लम हमें ये आई हुई थी कि कुछ मॉडल के सिर्फ पार्ट्स मिले और उसमें हम ये नहीं कर पा रहे थे कि ये इनकी बॉडी के या एक से ज्यादा थी। फिलहाल मामले में मैजिस्ट्रेट जांच की रिपोर्ट और मृतकों के डीएनए रिपोर्ट आना बाकी है। उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों रिपोर्ट जल्द ही आ सकती है। बता दें कि 28 फरवरी के दोपहर करीब 3 बजे बहादुरगढ़ के आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र पार्ट 2 में स्थित एक केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया था, जिसके बाद आसपास की कई फैक्ट्रियों के भवन गिर गए थे और कई फैक्ट्रियों में आग लग गई थी। ब्लास्ट के बाद मलबे में कई जिंदगियां दफन हो गई थी, जिन्हें रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर बुलाई गई थी। 4 दिन तक यह सर्च ऑपरेशन चला और फैक्ट्री ब्लास्ट में 8 लोगों की मौत हो गई थी। राजेंद्र जैन की मौत के बाद इस दर्दनाक हादसे में मरने वालों की संख्या 9 हो गई है। वही हादसे में 35 से ज्यादा श्रमिक घायल हो गए थे। बहादुरगढ़ में अब भी कई ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन और बिना फायर एनओसी के काम कर रही हैं। प्रशासन को इन पर शिकंजा कसने की जरूरत है ताकि समय रहते हादसों पर लगाम लगाई जा सके।